आइए सरकार, द्वारका माई में आपका स्वागत है। आप यहां आए हैं तो बेवजह तो नहीं आए होंगे। हरिओम हरिओम। सही कहा तुमने फकीर, बेवजह नहीं आया हूं, विवश होकर मुझे आना पड़ा यहां, विवश होकर, क्योंकि मेरी प्रजा को तू मूर्ख बना रहा है बरसों से, लेकिन अब नहीं। इनकी आंखों से पर्दा हटाने के लिए आया हूं, इन्हें सत्य से अवगत कराने आया हूं कि अब तेरा काला जादू काम नहीं करता। महान तू नहीं, महान तो मूले शास्त्री जी हैं, जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को तो झूठा सिद्ध नहीं कर पाया। तो हार गया फकीर, भालचंद्र का बड़ा बेटा गांव छोड़ के चला गया। नहीं सरकार, मेरा दत्तू नाराज होकर गया जरूर है, लेकिन वो वापस आ जाएगा। वियोग बहुत बड़ी बात होती है, और आप जैसा सोच रहे ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा उमा, संता ने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे जाते हुए। अब तक तो शिरडी की सीमा पार करके गया होगा जंगल में, जहां जंगली जानवर रहते हैं। परी पानी लाना सर। हरिओम हरिओम। तुम लोगों से मैं सदैव कहता रहा कि ये पाखंडी है, देख लिया तुम लोगों ने सत्य क्या है, ये कुछ नहीं कर पाया। सरकार सबूरी तात्या, याद रखो गुस्सा विवेक को खा जाता है। बेल देख रहे हैं आप सरकार, ये तभी फूलेगी फलेगी पड़ेगी जब इसे कोई सहारा मिलेगा।
सृष्टि का यही नियम है। हम सभी का विकास तभी संभव है जब हम एक दूसरे का साथ दें। आपस में सहयोग करें और आज नहीं तो कल इसे इस बात का एहसास होना ही है। हरिओम, अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा तो खेल खेल रहा है। थोड़ी देर पहले तो मैं यहीं से गया था, फिर वापस यहाँ कैसे पहुंच गया? ये कैसे हो रहा बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं
बाबा अक्सर मुझे राजा महाराजाओं की भूल भुलैया की कहानी सुनाया करते थे, जिसमें कोई अगर एक बार फंस जाए तो निकल नहीं पाता था, घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता था। कहीं मैं भी वैसे ही भूल भुलैया में तो नहीं फंस गया हूं। फकीर कहां जा रहा है? पहले इन सब के सामने अपनी हार स्वीकार कर और बाद में जहां जाना चाहता है वहां जा। हरिओम। बातों में वक्त गंवाने वाले अक्सर कर्म से चूक जाते हैं सरकार, और मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूं। ए फकीर, सरकार ने रुकने के लिए कहा है ना, तो रुक। कहां जा रहा है? पीछा करो इसका। रुको, कोई साईं के पीछे नहीं जाएगा, और मैं भी देखता हूं कैसे मुझे हटाकर जाता है कोई। संतान नहीं हो रही थी उस समय, हमने तुझे गोद लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। अगर उन लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया होता तो उनके जीवन में सिर्फ हरी होता। पता नहीं किसका खून है तू जो ऐसे रंग दिखा रहा है। तुम अकेले नहीं हो दत्तू, कभी ऐसा मत सोचना कि तुम अकेले हो। उमा, उमा, क्या ये सच है? किसी ने मुझे बताया कि हमारा दत्तू घर छोड़ के चला गया। 16 आने सच है भालचंद्र, 16 आने सच है तेरा बेटा चला गया तुम्हें छोड़कर। शास्त्री जी जैसे महान विद्वान की बात ना मानकर एक पाखंडी पर विश्वास किया ना तूने, अब भुगत। अब तो अपने बेटे का मुंह कभी नहीं देख पाएगा। यदि शास्त्री जी के चरणों में गिर जाता तो हो सकता शास्त्री जी तुम्हें कोई निदान बताते, उपाय बताते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं उमा, दिल छोटा मत करो। तुम कहती थी ना साईं सब ठीक कर देंगे, तुम उन पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। सबूरी उमा, सबूरी। हाँ हाँ, ठीक तो तब करेगा जब वो यहां होगा। वो तो पीठ दिखाकर भाग गया। उसे आभास हो गया था कि वो भविष्य को नहीं बदल सकता, तो किस मुंह से रहता यहां। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया वो। वो तुम लोगों के भावनाओं के साथ खेलता था, कब समझोगे?
याद है कि मैंने तुझे सच नहीं बताया, लेकिन मेरा विश्वास कर, हमने कभी तेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, कभी कोई पक्षपात नहीं किया। हरी से ज्यादा हमेशा तुझसे प्यार किया है। शुक्रिया साईं। दत्तू चल घर चल, शांति से बैठ के बात करेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर और कहाँ जाएगा? कहीं भी, लेकिन आपके घर नहीं। साईं ये कैसी बातें कर रहा है? साईं आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इनके घर वापस नहीं जाने वाला। मैं आपके साथ इसलिए वापस आया क्योंकि मेरे पास जाने के लिए रास्ता नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनके पास वापस चला जाऊं। मेरा घर नहीं है। ठीक है दत्तू, अगर तुम भालचंद्र और उमा के साथ नहीं रहना चाहते तो तुम्हें कोई विवश नहीं करेगा। तुम्हें पूरा हक है इनसे अलग रहने का। साई ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ये हमारे साथ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा, और वो भी अकेले? हाँ दत्तू, ये भी सोचने वाली बात है। तुम्हारी आई गलत नहीं कह रही है। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि अकेले रह सको। तुम आज अकेले उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए, और जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव आएंगे, उनका सामना कैसे करोगे? साईं आप सच कह रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो यहां द्वारका माई में रह सकते हो। शायद आप लोगों ने दत्तू के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए ये आपके साथ नहीं रहना चाहता। इसे फिलहाल यही द्वारका माई में ही रहने दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने हमारे बच्चे के साथ क्या अन्याय किया है? सुना नहीं आपने साईं ने क्या कहा? मुझे आपके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। साईं ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दत्तू को उसके परिवार से अलग करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? उमा, साईं पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। ये पाखंडी अवश्य कोई नया खेल खेल रहा है। हरिओम। आओ दत्तू। ए पाखंडी, अब मैं समझा, मुले शास्त्री जी की भविष्यवाणी झूठी सिद्ध नहीं कर पाया तो मां बाप को दोष देकर ये नया नाटक कर रहा है तू। लेकिन सुन, तेरा ये बहाना यह काम नहीं करेगा। मुले शास्त्री जी जैसे विद्वान के सामने तू कभी टिक नहीं पाएगा। मैं तो केवल बेल को उसके अस्तित्व की पहचान कराने लाया हूं। चलो। मैं जानता हूं ये फकीर हर संभव प्रयास करेगा दत्तू को उसके घर भेजकर शास्त्री जी को झूठा सिद्ध करें।
किंतु इस बार इसे मैं जीतने नहीं दूंगा। शास्त्री जी की भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। हरिओम। ये फूल भी कितने अनोखे होते हैं ना, खिलते पौधों पर है और फिर कहीं और जाकर किसी व्यक्ति या मूर्ति की शोभा बढ़ाते हैं। पर कोई ये नहीं सोचता कि जब इन्हें पौधों से तोड़ा जाता होगा उस समय इन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन ये जहां भी जाते हैं खुशियां ही बिखेरते हैं। दत्तू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? आज सुबह तुमने थोड़ा सा ही शीरा खाया था। केशव, जरा देखो तो खाने के लिए कुछ है? जी साईं। नहीं साईं, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कोई बनाने की सामग्री। साईं, क्या मैं घर से कुछ लेके आऊं? नहीं, रहने दो, मेरे पास कुछ है, उससे खाना बन सकता है। मैं जब लकड़ी काटने जंगल गया था तब मुझे जादुई पत्थर मिला। मन में साई के क्या है कौन जादुई पत्थर जान पाए। ओम अब जादुई पत्थर डालने का समय आ गया है। साई, मैंने ऐसे कई मजाक किए, अभी मजाक ही कर रहे हैं ना, भले पत्थर से खाना कैसे बन सकता है।